Hey, what's up guys, welcome back to another video। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 4 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला माइनक्राफ्ट पेड है और दूसरा 600 से ज्यादा एमबी का। इसी रीजन की वजह से मैं बताने वाला हूँ टॉप 4 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट। तो हमारा पहले गेम का नाम है ब्लॉक क्रेजी रोबो वर्ल्ड, और इसमें आप फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, सर्वर भी बना सकते हो। तो मैं चलता हूँ वर्ल्ड में। ओके, तो मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड में, और इसमें लामा टेक्चर कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। थोड़ा प्लेन में जाके देखते हैं बाकी चीजें। इसकी इन्वेंट्री तो बाकी माइनक्राफ्ट पीस से मिलती जुलती है। हम देखते हैं कौन से वर्जन में माइनक्राफ्ट के। नहीं, ये 1.16 के वर्जन में बेस्ड है, तो इसमें बाकी विलेजर्स वगैरह नॉर्मल है जैसे माइनक्राफ्ट में होते हैं। नहीं, कुछ कुछ अलग है, सारे तो नॉर्मल है, बस एक ही अलग निकला है। नहीं, एक और है कि कुछ बीमारी फैली है जो हर 5 के बाद किसी एक को रखती है। टेक्सचर देखो तुमको ज़्यादा ही अच्छे, जैसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होना चाहिए वैसी टेक्सचर है। और अभी मैं नैदर में आ चुका हूँ, नैदर भी बिल्कुल सेम है, नॉर्मल माइनक्राफ्ट है, बिल्कुल कॉपी है नैदर भी। चलते हैं एंड में और देखते हैं एंड कैसा है। ओके, मैं एंड में आ चुका हूँ। पहले ही वर्जन में एंडर ड्रैगन पर्पल कलर का होता है, देखते हैं इसमें कौन से कलर का है। तो एंडर मैन में गया तो सही है, बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसे। अब एंडर ड्रैगन को देखते हैं। हाँ, एंडर ड्रैगन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होता है, कॉपी है। और अभी अगले गेम का नाम है क्राफ्टमैन, और इसमें करेक्टर भी तुम लोग चेंज कर सकते हो। चलते हैं और इसमें प्ले करते हैं। इसमें तुम लोग फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, सर्वर बना सकते हो अपना, और इसमें रिसोर्स पैक भी जो माइनक्राफ्ट के तुम लोग डाउनलोड करा है वो उसमें भी लगा सकते हो, और बिहेवियर पैक भी। मैं एक शेडर यूज़ कर रहा हूँ, देखो शेडर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसमें क्लॉस का टेक्सचर देखो बिल्कुल चेंज हो चुका है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं शिप को। देखो तुम लोग, इसका फेस बिल्कुल ब्लैक कलर का है, बहुत ज़्यादा ही अजीब है। विलेजर भी बहुत ज़्यादा ही चेंज है, मतलब इसमें हर चीज़ चेंज है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें माइनक्राफ्ट से मैच करती हैं, बाकी इसमें विलेजर कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अब चलते हैं नैदर में और देखते हैं नैदर कैसा है। नैदर बिल्कुल सही है, नॉर्मल माइनक्राफ्ट के जैसा है, कॉपी है। वेट, ये कौन सा मास्टर है? हेलो हेलो मास्टर, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं निकलता हूँ इस वर्ल्ड से। बट वेट, इस वर्ल्ड से जाने से पहले चलते हैं एंड में और देखते हैं। एंड में आ चुका हूँ मैं, इधर एंडर मैन को देखो कितने अजीब है, बहुत ज़्यादा ही अजीब है इनका शक्ल। और एंडर ड्रैगन को देखो रेड कलर का है। इस गेम में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ एंडर ड्रैगन है, रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूनिक है। अभी एंडर ड्रैगन को देखते हैं, चलते हैं अपने अगले गेम में। और इस गेम का नाम है ब्लॉक सिटी मिनी, और इसमें चलो प्ले करते हैं। इसमें फैन के साथ खेल सकते हो, सर्वर भी बना सकते हो। अभी क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं, वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ। फिर इसमें हॉर्स देखो कितने अजीब है, ब्लैक और पर्पल कलर का हॉर्स, वाओ। इसका इन्वेंट्री तो ज़्यादा ही अच्छा है स्काई कलर में। और इसमें देखते हैं कौन से वर्जन में। नहीं, ये 1.16 में, डीप स्लेट नहीं है इसमें। इसमें प्लैंक का टेक्सचर बिल्कुल पहले वाले गेम की तरह है। विलेजर्स नहीं, इसमें विलेजर्स सही है, एक चीज़ अच्छा है इसमें। नहीं, इसमें विलेजर्स को वही बीमारी है जिसमें पिछले गेम में थी। चल निकल, अब इसमें चलते हैं नैदर और देखते हैं। नैदर बिल्कुल सही है जैसे पहले में था, इसमें बायोम भी है अलग अलग। अब चलते हैं एंड में और देखते हैं इसमें एंड कैसा है, क्योंकि बहुत सारे में एंड होता ही नहीं है इसमें एंड। तो ये देखते हैं, आ चुका हूँ मैं एंड में। अब ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं इसमें ड्रैगन कौन से कलर का है। इसमें ड्रैगन नॉर्मल है, इसने खुद ही आगे दिखा दिया। अब चलते हैं इधर से अपने अगले गेम पे, और हमारे अगले गेम का नाम है क्राफ्टमैन एक्स, और ये माइनक्राफ्ट 1.20.1 के वर्जन में बेस्ड है, इसीलिए बिल्कुल सेम माइनक्राफ्ट के जैसा है। इसकी इन्वेंट्री को खोलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखो इसमें चेरी वुड है, बैम्बू प्लैंक्स है, बैम्बू लॉग है, एक एक चीज़ है। इसमें वार्डन को सबसे पहले स्पॉन करते हैं, ये देखो वार्डन भी है इसमें। और अभी मैंने एक स्निफर को स्पॉन करा है, ये देखो ये इसको मारने आ रहा है। हट नहीं, हट पहले मैं इसमें बनाता हूँ नैदर पोर्टल और चलते हैं नैदर में। इससे नहीं जा पा रहा हूँ मैं इस कंट्रोल से, कंट्रोल चेंज करते आता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल चेंज करके आ चुका नैदर में, और नैदर बिल्कुल सेम है माइनक्राफ्ट के जैसा, सारे भाइयों में जैसे माइनक्राफ्ट में। तो इसमें विलेजर का स्पॉन करते देखते हैं, इसमें विलेजर को बीमारी तो नहीं है। नहीं, इसमें विलेजर भी सारे नॉर्मल है, बिल्कुल जैसा नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होता है। अब आते हैं पोर्टल, और मैं आ चुका हूँ अब एंड में, और एंड बिल्कुल सेम है। देखो एंडर ड्रैगन भी बिल्कुल सेम है जैसा नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होता है। इस गेम के बाद और कोई गेम की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।